हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागा और आज हम आपसे बात करेंगे हिप बोन के बारे में। तो हिप बोन में क्या पढ़ना है अपन को? हिप बोन में पढ़ना है फोरामेंस। तो आपको बता होगा कि हिप बोन के अंदर दो होते हैं, एक होती है ग्रेटर सियाटिक नोच, एक होती है लेसर सियाटिक नोच। ओके, और इन दोनों नोचों को यहाँ पे दो लिगामेंट्स शो किए हुए हैं, फर्स्ट सार्कोट्यूबियस लिगामेंट और सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट्स ग्रेटर सियाटिक नोच और लेसर सियाटिक नोच को फोरामेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इन लिगामेंट्स के थ्रू जो कि ग्रेटर सियाटिक नोच थी वो क्या बन गई? ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, और लेसर सियाटिक नोच क्या बन गई? लेसर सियाटिक फोरामेन। ओके, तो उसके बाद हमें बात करना है कि जो कि ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती है या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट होती है। ओके, तो आपको बता होगा कि ग्रेटर सियाटिक फोरामेन टू पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, इसके टू पार्ट किसके बेसिस पे होते हैं? पिरीफॉर्मिस मसल्स के बेसिस पे। ओके, एक पार्ट होता है इसका अबाउट द पिरीफॉर्मिस और सेकंड पार्ट होता है इसका बिलो द पिरीफॉर्मिस मसल्स। ओके, तो कौन से स्ट्रक्चर्स इसकी पिरीफॉर्मिस के अबाउट से पास आउट होती है? वो होती है टोटल दो स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सेकेंड होती है इन्फीरियर ग्लू सॉरी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड सेकेंड होती है सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स। उसके बाद देखते हैं बिलो द पिरीफॉर्मिस इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट होती है। उनको याद करने की ट्रिक है आई पिन स्पिन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई पिन स्पिन। टोटल आठ स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ में से सिक्स तो नर्व्स है और टू वेसल्स है। आई का मीनिंग इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल्स, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। तो बेसिकली आपको पता होगा यहाँ पे अबाउट द पिरीफॉर्मिस से तो सारा क्या आएगा? सुपीरियर। सुपीरियर यहाँ पे आई का मीनिंग क्या होगा? इन्फीरियर। तो फर्स्ट होगी इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कहाँ है? ऊपर। पी का पुडंडल नर्व, आई का इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल्स, एन से होगा नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, एस से सियाटिक नर्व, पी से पोस्टीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई, आई का मीनिंग होगा यहाँ पे इंटरनल पुडंडल वेसल्स और एन का मीनिंग होगा नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। ओके, तो आपको यहाँ पे हमने सिक्स नर्व्स के जो नाम बता रखे हैं तो ये नर्व्स किस प्लेक्सिस की ब्रांचेज होती है, तो उन नर्व्स को देखने के लिए सारे नर्व्स किस प्लेक्सिस की ब्रांचेज है आपको लंबर और सेक्रल प्लेक्सिस देखना पड़ेगा, जिनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कि लंबर प्लेक्सिस कैसे बनता है और इसकी ब्रांचेज क्या क्या होती है और सेक्रल प्लेक्सिस कैसे बनता है और इनके ब्रांचेज क्या क्या होती है। मतलब मीनिंग ये है कि जो सिक्स नर्व्स हैं वो किसकी ब्रांचेज है? या तो लंबर नर्व्स लंबर प्लेक्सिस की होगी या फिर सेक्रल प्लेक्सिस की होगी। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लेसर सियाटिक फोरामेन की, कि लेसर सियाटिक फोरामेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास आउट होते हैं। टोटल स्ट्रक्चर्स है चार, ट्रिक है पी आई एन टी ओ, पिन टू। क्या है? पिन टू। पिन टू में क्या होगी? दो नर्व होगी, वन वेसल्स होगी और वन टेंडन होगा। पी का मीनिंग पुडंडल नर्व, और देखिए हमने पुडंडल नर्व यहाँ पे भी डिनोट किया है, पुडंडल नर्व यहाँ पे भी डिनोट किया है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको हमारा जो कि पुडंडल केनाल है उसके में उसके तीन टॉपिक्स थे, पुडंडल केनाल, इंटरनल पुडंडल वेसल्स और पुडंडल नर्व। तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि पुडंडल नर्व यहाँ पे भी क्यों है और यहाँ पे भी क्यों है। इसके बाद आई का मीनिंग है इंटरनल पुडंडल वेसल्स, एन का मीनिंग है नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस और टी ओ का मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग एक साथ है, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस। ओके, देखिए यहाँ पे नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस है, यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनस को नर्व है और यहाँ पे क्या है? टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस। ओके, इसके बाद देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स ऑब्टूरेटर कैनाल से पास आउट होती है। तो बेसिकली इसको क्या कोई हर कोई बता सकता है? ऑब्टूरेटर आर्टरी, नर्व और वेन। ओके, इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे देखिए पुडंडल को देखिए यहाँ पे एक बताया हमने, देखिए कहाँ पे है सॉरी, आप यहाँ देखते हैं जो कि पुडंडल आर्टरीज होती हैं वो होती है दो टाइप्स की, एक होती है इंटरनल पुडंडल आर्टरीज और एक होती है एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरीज। ओके, और जो एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है सुपरफिशियल, एक होती है डीप। ओके, तो टोटली पुडंडली आर्टरीज होती है तीन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब देखिए हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का मीनिंग है कि आप जब पढ़ेंगे फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज, ओके, अबोव द इंग्वाइनल लिगामेंट और बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, सॉरी बता अबोव द इंग्वाइनल लिगामेंट तो कौन सी होगी? दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। यस, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो देखिए हमने जो ये ब्रांचेज पढ़ी है पुडंडल आर्टरीज की, इनकी ब्रांचेज की बहुत सी बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि इंटरनल पुडंडल भी है, एक्सटर्नल भी है, डी एक्सटर्नल डीप भी है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल डीप पुडंडल आर्टरी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आर्टरी कौन सी ब्रांचेज की है, और हम आपसे इंटरनल पुडंडल आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में, इसके जस्ट पुडंडल केनाल वाले
जो कि टॉपिक्स है, जो कि वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ब्रांचेज कहाँ से निकलती है, पुडेंडल किनार क्या होती है, उससे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो कि ये दो ब्रांचेज होती है, सुपरफिशियल और डीप, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी की ये ब्रांचेज होती है फिमोरल आर्टरी की। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोरामेंस ऑफ हिप बोन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।